सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9, 11 और 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचे। ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, 9, 11 और 13, इसमें से क्या शेषफल कितना आना चाहिए, 1 और ये है आपका 2 और ये 3, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 2 ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब तीनों बराबर नहीं हो रहा है तो फिर इसमें ऐसे रेगुलर फिर वही चीज़ घटाइए, 1, 2 और 3, तो क्या हो रहा है, 7, 7 और 7। अब देखिए ये घटाने के बाद बराबर आ गया, यानी कहने का मतलब ये दो स्टेप में, पहला स्टेप ये हो गया और दूसरा स्टेप ये हो गया, दो स्टेप में बराबर हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, 9, 11 और 13 का LCM निकालते हैं, तो LCM आ जाएगा इसका कितना, 1287 आ गया, तो ये कॉमन कितना हो रहा है, 7, इसलिए 7 घटा देंगे, तो कितना आया, 1280। लेकिन अगर केवल एक स्टेप में ये चीज़ बराबर हो जाती तो इतना आंसर हो जाता, लेकिन ये दो स्टेप में हो रहा है इसलिए आप इससे 2 से केवल भागा दे दीजिए, तो 2×6=12 और 40, ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।